In the figure, if talent. In the paper, parallel to AC and DF is parallel to AE, then prove that DF by FE is equals to BE by EC. Okay. Let me draw the figure. This triangle we are having over here. A, B, C. Here we are having D. Here we are having F. Okay. Here we are having E. Here. Okay, this is what we are having. Says that in the figure DE is parallel to BE is parallel to AC. This DE this is parallel to AC. Okay. Whenever this parallel condition is given, that means we can use basic proportionality theorem. Now you tell me which triangle can be taken from here so that we will be able to use the basic proportionality theorem. Ifram, कौन सा ऐसा ट्राइंगल हम यहाँ से पिक कर ले? अभी हमें क्या प्रूव करना है और क्या दिया हुआ है ये सब पे फोकस करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इतना देख के क्या हम कोई ऐसा ट्राइंगल ढूंढ के निकाल पा रहे हैं जिसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम यूज कर ले? आया ना? यस मैम. विच ट्राइंगल इफ्रा? मैम बी डी एफ एंड ट्रायंगल ए सी. AEC you said Ifra. यस मैम. बट हम तो कुछ कोई ऐसा ट्रायंगल लेना चाहते हैं जहां पे ये जो DE है ये किसी साइड के पैरेलल हो जाए. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में ये बोलता है अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और अगर कोई भी एक लाइन है जो किसी एक साइड के पैरेलल है, तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है और एक अगर कोई ऐसा लाइन है डीई जो कि कोई भी एक साइड के पैरेलल है, जैसे कि इस एग्जांपल में डीई एसी के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है, तो हमारा रेशियो सेम होगा. कौन सा रेशियो? बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी. ये रेशियो हमारा सेम होगा. ओके. यस मैम. तो सेम कंसेप्ट हम सारे क्वेश्चंस में यहाँ यूज कर रहे हैं. जैसे ही हमें पैरेलल कंडीशन दिया है वैसे ही हम ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. जैसे ही हमें ये दिया हुआ है कि डीई इज पैरेलल टू एसी, वैसे ही हम एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढ के निकालेंगे और रेशियो बोलेंगे कि सेम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से. नाउ आई एम आस्किंग यू कौन सा ऐसा ट्रायंगल हम ढूंढ के निकालें और इस ट्रायंगल इस पैरेलल वाले गिवन डेटा को यूज कर पाए. यस अब्दुल, दिस क्वेश्चन वी हैव टेकन. अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है स्क्रीन पे. यहाँ पे एक ट्रायंगल है जहाँ पे डी इज पैरेलल टू ए सी दिया हुआ और फिगर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. डी एफ इज पैरेलल टू ए दिया है. ओके. और हमें कुछ प्रूफ करना है. लास्ट क्लास इस
लास्ट क्लास में मैं यहाँ पे समझा रही थी कि जब भी ये पैरेलल कंडीशन दिया हो तो हमें आगे क्या प्रूफ करना है और क्या दिया हुआ है, उससे पहले हमें ये ढूंढने की जरूरत है कि कौन सा ऐसा ट्रायंगल है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है BAC और ABC, उसमें मैं ड्रॉ करती हूँ इस ट्रायंगल को सेपरेटली, उसमें एक जो साइड DE है, DE है, एक साइड हमारा DE है वो AC के पैरेलल है, क्या हम बोल सकते हैं इस पूरे फिगर से इतना निकाल के क्या हम बोल सकते हैं कि अब हम यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। आया ना अब्दुल एंड इफ्रा, आर यू गेटिंग इट? हमें एक ऐसा ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे जहाँ पे ये DE एंड AC ये पैरेलल वाला कंडीशन हम आइडेंटिफाई कर पाए, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एक साइड एक दूसरे लाइन के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि अब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो अगर ये कह रहा है कि DE पैरेलल टू AC है, DE पैरेलल टू AC है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DE पैरेलल टू AC है, एंड हेंस वी कैन यूज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? कैन वी से दैट इफ्रा एंड अब्दुल? यस आयशा, दिस क्वेश्चन वी हैव टेकन जस्ट नाउ, वी हैव स्टार्टेड एंड स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग टू एवरीवन। ओके, लेट मी जस्ट रिमूव एवरीथिंग एंड लेट मी ड्रॉ द फिगर फ्रेश, एंड आई वाज जस्ट टेलिंग टू एवरीवन दैट व्हाटएवर वी आर सपोज्ड टू प्रूव, बट अगर हमें पैरेलल वाला कंडीशन दिया है तो सब कुछ पॉज करके हम पहले फिगर देखेंगे ध्यान से, और हम सोचेंगे कि क्या हमें ये पैरेलल वाला कंडीशन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कुछ इंडिकेट कर रहा है, क्या हम यूज कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? ओके, सो लेट मी ड्रॉ द फिगर फ्रेशली, दिस इज द फिगर। यस अब्दुल, यू ऑल्सो फोकस। ओके, जस्ट अ सेकंड। Yes, Ibra, whatever you said, I think that was correct. Okay. Yes, let me explain it to rest of the student. Okay, so here it was given that DE is parallel to, okay, this line is also drawn like this. Okay, here it is given that DE is parallel to AC. Let me highlight DE. Let me highlight DE. Let me highlight AC. It is given that even though it doesn't look like that in my figure, but it is given in the question that DE is parallel to AC. Let me make the figure properly. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि DE इज पैरेलल टू AC, तो क्या हम कोई ऐसा ट्रायंगल यहाँ से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जिसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम यूज कर सके? आया ना, अगर DE इज पैरेलल टू AC तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है? मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर रही हूँ, हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है, ABC, जिसमें एक कोई रैंडम पॉइंट डी है और ई है, जो कि DE पैरेलल टू AC है, और हेंस
Now, hence, we can use basic proportionality theorem. Since BE is parallel to AC, then can we use basic proportionality theorem? Ifra, Aisha and Abdul, क्या हम लिख सकते हैं कि ये जो sides है वो equal ratio में divide होंगे, BE by DA is equals to BE by EC. Can we write that? अभी हमें कुछ नहीं पता है, हमें नहीं पता हमें क्या प्रूफ करना है. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन, क्या दिया हुआ है वो भी हमने नहीं पढ़ा है. बट जस्ट ये पैरेलल कंडीशन से क्या हम इतना लिख पा रहे हैं, हायाना, अब्दुल, इफ्रा एंड आयशा? यस इफ्रा, यस और नो? Aisha has responded. Abdul, are you getting it, Abdul? Yes. Basic proportionality theorem कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक triangle है और अगर उस triangle में कोई एक ऐसा line है जो किसी एक side के parallel है, चलो ये line है, ये PQ के पैरेलल है, ओके, DE क्या है, PQ के पैरेलल है, then ये जो लाइन है, ये दूसरे बचे हुए जो साइड है, PQ के पैरेलल है, और जो बचे हुए साइड है, PR और QR हमारे ट्रायंगल में, इन दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा. That means PD by DR जो रेशियो निकल के आएगा, QE by ER भी सेम रेशियो देगा. Am I making sense? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम जो हमने यहाँ पे लिखा है कंडीशन, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर डी बाई डी बी इज इक्वल टू आर ई बाई ई क्यू. गेटिंग इट? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है. ओके, तो जो बचे हुए हमारे साइड है जिनको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करने जा रही हूँ, ये दोनों बचे हुए साइड्स है हमारे ट्रायंगल के, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे इस लाइन DE से, हमें ये पता है, राइट? ओके, सो लेट्स यूज इट ओवर हियर. We will be saying since DE is parallel to AC, then BD by DA is equals to BE by EC. Okay? Similarly, since DF is parallel to AE, अब चलो अपने figure में देखते हैं DF कहाँ है और AE कहाँ है. DF ये रहा, DF और ये रहा AE. ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है. अब बताओ कौन सा ट्राइंगल हम ले और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम यूज कर सकते हैं. कैन यू से दैट ये दोनों ब्लू कलर वाले लाइन पैरेलल है? अब इन दोनों को ध्यान में रख के एक ट्रायंगल लो जहां बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम यूज कर सकते हैं. हु विल से? यस, हु विल से? कैन यू यूज क्या हम ट्रायंगल ले सकते हैं? आया? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब भी कोई दो पैरेलल लाइन दिए हो तो दोनों में से देखो फिगर में कौन सा लार्जर है. ओके, ये DF और AE में से AE लार्जर है, तो इस AE को लेके कोई एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जिस ट्रायंगल के अंदर ये DF आना चाहिए. तो AE इज द लार्जर वन. ओके, द साइड जो लार्जर हो उसे लेके हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया. और क्या हम अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर पा रहे हैं? आया ना? एवरीवन गेटिंग इट? ओके, यू आर गेटिंग इट. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट? अब्दुल, इफ्रा, आर यू गेटिंग इट? इफ्रा, कि कैसे हम ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर रहे हैं? अगर ये फिगर है हमारे पास कंप्लीटली, पहला वाला कंडीशन को देखो जिसमें मैंने लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट किया. ओके, पहले वाले कंडीशन में दिया हुआ था कि DE पैरेलल टू AC है, इन दोनों में से देखो लार्जर वन कौन सा है? AC. नाउ AC को लेके क्या हम कोई एक ट्रायंगल ले सकते हैं?
तो एबीसी यस, एबीसी के अंदर आ रहा है दूसरा वाला पैरेलल लाइन, यस ओके। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि हमारे पास एक एक ट्रायंगल में एक ऐसा लाइन होना चाहिए जो एक साइड के पैरेलल हो और दूसरी साइड, दूसरे जो बचे हुए साइड्स हैं उन्हें दो पॉइंट पे टच करे, ऐसा सिचुएशन हम अराइज करने की कोशिश कर रहे हैं ओके। कोई भी एक साइड के पैरेलल लाइन हो हमारा और दूसरे जो बचे हुए जो दो साइड्स हैं उन दोनों साइड्स को किसी ना किसी पॉइंट पे ये जो लाइन है ये टच करे, तभी हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ओके एंड यहाँ सपोज इस एक पैरेलल लाइन है जो कि एक लाइन है जो कि वन ऑफ द साइड के पैरेलल है ओके, तो दूसरे जो बचे हुए साइड्स हैं उन्हें इक्वल रेशियो में ये जो लाइन है ये डिवाइड करेगा। इफ्रा आर यू गेटिंग इट? Are you getting it, Ifra? Abdul, are you getting it? Yes. Okay. Now we will be writing that since BF is also parallel, TF is also parallel to AE. ध्यान से TF और AE पे focus करो question में, figure में. BF is parallel to AE. तो हम क्या लिख सकते हैं कि BD by DF is equals to BF by FE. Can we write it? Can we? Yes, ma'am. हमारे पास एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन है, ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशन को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, सुन yes or no? Okay, yes, we can do the comparison. Okay, what we will be getting if we will compare equation 1 and equation 2, which we have got directly by basic proportionality theorem from 1 and 2, can we write that BF by FE is equals to BE by EC or BE by EC is equals to BF by FE, whatever. We can write it, right? The left hand side is exactly same. Hence, we can do the comparison of the right hand side. And अब हम देखेंगे कि जो हमें प्रूव करना था क्या हमने प्रूव कर दिया? Yes. Can you see that? Can you see that already we are done with the proof? ऐसे questions बहुत simple होते हैं, इसमें हमें कुछ भी लॉजिक यूज करना ही नहीं है, बस हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा ट्रायंगल को हम ले। मैं फिर से ये पूरा फिगर ड्रॉ करती हूँ, स्टेप्स लिखती हूँ और फिर से बताओ ये क्लियर है या नहीं। यहाँ हमें बस द कंडीशन दिया हुआ है कि DE AC के पैरेलल है और एक कंडीशन दिया हुआ है कि DF AE के पैरेलल, बस ये दो कंडीशन दिए हुए हैं और कुछ हमें प्रूफ करने को बोला जा रहा है। मैंने हमेशा बोला है ट्रायंगल चैप्टर में जब भी ऐसे फिगर हो और पैरेलल कंडीशन दिया हो तो क्वेश्चंस बहुत इजी है, कुछ हमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली रिटर्न clearly it is written over here that DE is parallel to AC. Focus on DE. Okay, this the bold one. This DE is parallel to this AC. DE is parallel to AC. Then we can take triangle ABC. Okay, in between this DE and AC, larger side is AC.
and if you will keep in mind that, you will be able to identify that there is a triangle ABC in which DE is parallel to AC. Okay, there is a triangle ABC in which DE is parallel to AC. Hence, that's why I am coloring with different colors so that you can get it. You will not get confused. This green one, we are talking about the complete triangle ABC. Why ABC? क्योंकि यही एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ये डी पैरेलल टू वन ऑफ द साइड आ रहा है और हम बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कह सकते हैं. बी डी बाय डी ए, ये जो रेशियो होगा ये किसके इक्वल होगा? बी ई बाय ई सी. ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है. बहुत सारे यहाँ पे साइड्स एंड ऑल है तो ध्यान से देखो. ओके, बी ई ओवर ई सी. नेक्स्ट, सिमिलरली हमें डी एफ एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई दिया है. ध्यान से देखो, ये डी एफ है और ये ए ई है. ए ई इज द लार्जर वन. अब इस लार्जर वन को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा ट्राइंगल हमें चाहिए जिसमें ए ई साइड हो. तो क्या हम ये ट्राइंगल ले सकते हैं? यस, वी कैन टेक दिस ट्राइंगल. ओके, इफ वी विल टेक दिस ट्राइंगल in triangle B A E, can we say that BD by DA is equals to BF by FA? And if you will do the comparison of equation 1 and 2, jahan ki left hand side already same hai, we will say that right hand side bhi same hoga, and then we are done with this proof. Aa raha hai sabko samajh mein? Yes. We are done with this proof. Abdul, Asha, already you understood. Are you getting it, Abdul? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है. फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है. This is the figure which we are having. Here again it says that here we are supposed to prove that EF is parallel to EO. Okay, so whatever we have to prove, okay, whatever we have to prove, let's think about it. If it is given that DE is parallel to OQ, chalo identify karte hain ki kaun sa triangle le sakte hain. Okay, yahan question mein diya hua hai ki ye jo DE hai ये किसके पैरेलल है? OQ के. अब बताओ कौन सा ट्रायंगल ले और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर लो. बताओ, आयशा, अब्दुल, इफ्रा, प्लीज टेल मी, कीपिंग इन माइंड दैट DE इज पैरेलल टू हम ट्रायंगल POQ. POQ. Yes, Ifra, are you agreeing with her? Whatever she said, is it correct?
अगर हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी पैरेलल टू ओ क्यू है और हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करना चाहते हैं, तो आयशा ने कहा हम ट्रायंगल पी ओ क्यू ले सकते हैं, अब्दुल एंड इफ्रा, क्या हम ट्रायंगल पी ओ क्यू ले सकते हैं जिसमें डी पैरेलल टू ओ क्यू है? क्या ये कोई सेंस क्रिएट कर रहा है, हाँ या ना? यस मैम, अब्दुल, आर यू गेटिंग यस इट? यस, इट इज परफेक्ट। वी विल बी टेकिंग दिस ट्रायंगल। यस आयशा, परफेक्ट। सो द रेशियो विल बी, इफ्रा यू विल टेल मी द रेशियो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द साइड्स? ट्रायंगल तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें लिखना होगा कि साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। यही तो हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पढ़ा था, कौन से साइड्स? अब्दुल तुम बताओ, ये सिफरा पहले बताओ। डी ई अपॉन ओ क्यू डी इट्स नॉट डी। अब्दुल, अब्दुल कैसे साइड्स लेंगे हम, बताओ अब्दुल। अगर हमने ट्रायंगल पीओक्यू ले लिया जिसमें कि डी ओक्यू के पैरेलल है, तो साइड्स इक्वल रेशियो में होंगे, कौन से साइड इक्वल रेशियो में होंगे? अब्दुल, इफ्रा एंड अब्दुल, वॉज यू देयर व्हेन आई वॉज टेकिंग क्लास फॉर द फर्स्ट डे, देन सेकेंड डे, देन थर्ड डे? यू अटेंडेड माई क्लास फ्रॉम द यस मैम, फर्स्ट डे? देन प्लीज टेल मी कि कौन सा रेशियो इक्वल होगा। करो, याद करो, डे वन में मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था स्क्रीन पे, और उस ट्रायंगल का नेम एबीसी लिया था, और वहां एक डीई ऐसा लाइन था जो बीसी के पैरेलल था। इस ट्रायंगल में हमें कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ हमें यही पता है कि डीई एक ऐसा लाइन है जो एक साइड बीसी के पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं कि ये जो बचे हुए ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए बाई ई सी होगा। क्या हम लिखे जा रहे हैं, हम ध्यान से लिख रहे हैं, जो साइड हमारा पैरेलल है बी सी, उस साइड को छोड़ के जो बचे हुए ट्रायंगल में साइड्स हैं, ये ए बी और ये ए सी, इन दोनों साइड को ये जो एक्स्ट्रा, ये पैरेलल लाइन हमारा जो था, ये जो हमारा पैरेलल लाइन डी ई था, ये दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ऐसे रेशियो में डिवाइड करेगा। ये जो हमारा लाइन है, जो पैरेलल है ट्रायंगल के अंदर, ये हमारे तो बचे हुए जो साइड है उन्हें इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये कहता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि अगर हमारे ट्रायंगल में, चलो इस ट्रायंगल को दूसरे तरीके से भी बना के ये अच्छे से सीख ले, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ओके, उस ट्रायंगल में चलो नेम भी दे देते हैं पी क्यू आर, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हमारा एक ऐसा लाइन है जो किसी एक साइड के पैरेलल है, ये जो लाइन अभी अभी मैंने ड्रॉ किया ना, ये पी आर के पैरेलल ड्रॉ किया है मैंने, लेट मी राइट इट, लेट मी राइट इट, ये जो लाइन एम एन मैंने ड्रॉ किया, ये पी आर के पैरेलल ड्रॉ किया मैंने, तो जिस साइड के पैरेलल है उसे छोड़ दो, जो बचे हुए दो साइड्स हमारे ट्रायंगल में है उन्हें इक्वल रेशियो में ये लाइन डिवाइड कर देगा। मतलब क्यू एम बाई एम पी जो रेशियो निकल के आएगा, सेम रेशियो, क्यू
क्यूएन बाई एन आर देगा। आ रहा है समझ में? इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आर यू गेटिंग इट इफ्रा? आर यू गेटिंग इट अब्दुल? यस मैम। Question this one. Now in the figure D is parallel to OQ and BF is parallel to OR. Show that this. So I was asking to Aisha that if DE is parallel to OQ, then हम कौन सा triangle ले लें? हम कौन सा triangle ले सकते हैं? तो Aisha ने कहा कि हम POQ triangle ले सकते हैं। ध्यान से देखो, हाँ हम POQ यही triangle ले सकते हैं। इस triangle में ही जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वो फिट बैठ रहा है। एक साइड के पैरेलल है एक लाइन, तो क्या हम कह सकते कि रेशियो आपस में इक्वल होंगे? अब मैं फिर से पूछ रही हूँ इफ्रा और अब्दुल, कौन से रेशियो हम यहाँ पे लिखे इक्वल होंगे? हमारा पीओ क्यू ट्राइंगल है, उसमें ये डीई है, ये OQ के पैरेलल है। देखो मैंने लिखा है DE किसके पैरेलल है? OQ के। तो फिर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से रेशियोस कंपेयर कर सकते हैं। क्या लिखे हैं हम स्क्रीन पे, प्लीज टेल मी। मैम PE बाई EQ एंड इज इक्वल टू PD बाई DO। Is it so, Abdul? Is it okay or not? ये जो मैंने यहाँ लिखा है अभी अभी इफ्रा ने बताया, ये सही है या गलत है? Yes. It is correct. Okay. Now the next condition given that DF is parallel to OR. चलो देखते हैं कहाँ DF है कहाँ OR है. Okay. ध्यान से देखेंगे DF एंड OR कहाँ पे है, और हमें खुद से अकॉर्डिंगली एक ट्रायंगल चूज करना हो। क्या हमें प्रूफ करना है, क्या हमें फाइंड करना है, ये सब हम इतना नहीं सोचेंगे। जस्ट पैरेलल लाइन देखेंगे, ट्रायंगल चूज करेंगे, एक इक्वेशन एक कंडीशन या रेशियो बना के रख देंगे। ठीक है, लेट्स डू। DF इज पैरेलल टू OR, वेयर इज DF? लेट मी हाईलाइट इट। ये रहा हमारा DF, ये रहा हमारा OR। अब बताओ कौन सा ट्रायंगल मैं लूं? इन दोनों ब्लैक कलर लाइन को ध्यान में रखते हुए कौन सा ट्रायंगल ले जहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम यूज कर सकते हैं? अब्दुल, इफ्रा, आयशा, can you repeat that? Keeping in mind that DF is parallel to OR, these two black color lines are parallel with each other, which triangle we can choose now? POR. Everyone is getting it? We will be taking POR triangle. Yes or no? Ye O hai. Can we, are you getting it? We will be taking POR. Yes. ट्रायंगल POR, इस ट्रायंगल में रेशियो आपस में इक्वल होंगे। कौन सा रेशियो? PD by DO is equals to PF by FR. अब ध्यान से देखो, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू में कुछ सेम है? देख के बताओ। यस, पीडी बाय डीओ इक्वेशन वन में भी है, पीडी बाय डीओ इक्वेशन टू में भी है। ठीक है, पीडी बाय डीओ इक्वेशन वन में भी है, पीडी बाय डीओ इक्वेशन टू में भी है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन और टू को कंपेयर कर लेंगे और बोलेंगे कि अगर पीडी बाय डीओ पी बाय ईक्यू के बराबर है और सेम पीडी बाय डीओ पीएफ बाय एफआर के बराबर है, तो मतलब कि PE by EQ और PF by FR आपस में इक्वल है। आया ना?
बट हमें यहाँ पे ये तो प्रूफ करना ही नहीं था, तो यहाँ ये प्रूफ करना ही नहीं है, तो क्या हुआ हमें ये यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, तो हमने कुछ फाइंड किया है, चलो फिगर में आप देखते हैं पीई बाई इक्यू, ओके ध्यान से देखना फिगर में पी कहाँ है इक्यू कहाँ है, ओके ध्यान से देखना पीई, ये जो पी है बाई इक्यू, ये एक तरफ है हमारे रेशियो में, और दूसरी तरफ क्या है पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर, तो अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो क्या हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कह सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, कैन वी से दैट, कैन वी से दैट हम वी आर हैविंग अ ट्रायंगल इन व्हिच द नेम ऑफ द ट्रायंगल इज पी क्यू आर, वेयर ई एफ इज लाइक दिस एंड वी आर हैविंग पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ बाय एफ आर, कैन वी से दैट, अगर पी ई बाय ई क्यू पी एफ बाय एफ आर के बराबर है, तो कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का जो रिवर्स केस वाला एक और थ्योरम था, उससे हम कह सकते हैं कि ई एफ और क्यू आर आपस में पैरेलल होंगे ही होंगे, क्या हम कह सकते हैं? यस मैम पैरेलल। यस आयशा, आर यू गेटिंग यस अब्दुल, आर यू गेटिंग यस इट? इसलिए मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान लगा के नहीं रखते हैं कि फाइंड क्या करना है, शो क्या करना है, हमेशा जब भी पैरेलल वाला कंडीशन हो पहले लिख लो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके, जो भी हम लिख पा रहे हैं हम लिख लेंगे, यहाँ से हम बोलेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारे पास एक बड़ा सा पी क्यू आर ट्रायंगल है जिसमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर पीई बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, द सेम कंडीशन जो अभी अभी हमें हमें मिला है इक्वेशन वन एंड टू से, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ओके हेंस बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हेंस बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, तो हमें प्रूफ करना है वो अब हम लिख सकते हैं कि पी ई एफ मस्ट बी पैरेलल टू क्यू आर, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम दिस इज हाउ वी नीड टू, लेट्स मूव, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम कैन यू स्क्रॉल डाउन। Can we take the next question? You done with this one? यस मैम। Let's do the next one. Figure, the given figure. A, B,
आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू रेस्पेक्टिवली एबी इस पैरेलल टू पीक्यू एंड एसी इस पैरेलल टू पीआर दैट लेट मी ड्रॉ द फिगर You have to do it by yourself, okay? Think about it and tell me, just let me know in the next class that have you done this one? This is what we are having. I must draw the figure. No, this is one. This question you are having in your book as well. Okay, do try solving this question. Here it says that ABC just these are random point. Okay, on OP, OQ, whatever. AB is parallel to B. जैसे ही हमें parallel condition दिया होगा, हम सबसे पहले अपने figure में जाएंगे और सोचना शुरू करेंगे कि कौन सा triangle है. कौन सा ट्रायंगल ले और हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करें. ओके, सो क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, लेट मी हाईलाइट ए बी यहाँ हमें दिख रहा है और पी क्यू यहाँ हमें दिख रहा है, तो कौन सा ट्रायंगल हम ले सकते हैं? हु विल से पीओक्यू. इट्स दैट सिंपल. ध्यान से देखो, पीओक्यू एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ए बी पी क्यू के पैरेलल. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आराम से यूज कर सकते हैं. सिमिलरली दूसरा वाला कंडीशन दिया ए सी पी आर के पैरेलल है, दूसरा वाला ट्रायंगल पी ओ आर ले सकते हैं. और हमें क्या प्रूफ करना है? ये बी सी पैरेलल टू क्यू आर. मे बी हमें वहां से जो मिले वो हमें हेल्प करे ये प्रूफ करने. ट्राई करना ये क्वेश्चन. ओके, आई एम लीविंग दिस वन.